नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ यहां पर यार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। वनों में आग लगने से पहाड़ों का सौंदर्य खाक हो रहा है। जहां पहाड़ों में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जंगल भीषण द्वाग्नि की चपेट में है, वहीं गंगोलीहाट की सुनहरी पहाड़ियां भी आग की लपटे हैं। यहां के बांज, बुरांस व विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी से लगदग जंगलों में आग के कारण भारी नुकसान हो रहा है, जिसका प्रतिकूल असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। आग लगने का मुख्य कारण लोगों द्वारा पिरूल घास अपने घास के जंगलों में सूखे कांटे आदि की सफाई के लिए लगाई जाने वाली वजह मानी जा रही। जंगलों में बांज की सूखी पत्तियां, चीड़ के पिरूल उस आग को पेट्रोल की तरह तेजी से फैलने का रास्ता देती है। वन विभाग के लगभग 22 कर्मचारी गंगोलीहाट क्षेत्र से और लगभग इतने ही बेरीनाग क्षेत्र से रात दिन आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ खड़ी चट्टानी चढ़ाई तथा दूसरी ओर गहरी खाइयों को घेरे पहाड़ी जंगलों में जान जोखिम में डालकर पूरे प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गंगोलीहाट बेरीनाग का लगभग 100 किलोमीटर लंबा तथा इतना ही चौड़ा वाला मार्ग दुर्गम क्षेत्र रामेश्वर से सेराघाट तथा थल से सेरागढ़ा सलाट तक बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में जिनका जिम्मा संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, जंगलों में जैव विविधताओं के चलते समृद्ध जंगलों को जनता की उदासीनता और सरकार की उपेक्षाओं के कारण आग की भेंट चढ़ना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में जंगली मुर्गी, खरगोश, काकड़, घुरल, बाघ सहित कई प्रजातियां आग की विभीषिका झेलने को मजबूर हैं तथा कई प्रकार की प्रजातियां असमय मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। लोगों को खांसी, बुखार, सरदर्द जैसी बीमारी हो रही है। पर्यावरण तथा स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में है। प्रशासन को भी कम से कम एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगोलीहाट में स्थायी रूप से रखनी चाहिए, ताकि रोड साइड में आग को नियंत्रित करके ऊपर नीचे फैलने से रोका जा सके। जानकारों का कहना है कि समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं होगी तो भारी जानमाल का नुकसान तो होगा ही, पर्यावरण तथा वैश्विक तापमान वृद्धि का भी एक बड़ा कारण बन जाएगा। पहाड़ों के स्वच्छ हवा पानी में आजकल धुआं, कार्बन तथा जहरीले विषाणु घुल मिल गए हैं। बारिश न होने से ये कभी भी भयानक महामारी का रूप ले सकता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।